नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज दोस्तों मैं मैथ की वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, मैथ में हम लोग सबसे पहले मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेंसुरेशन मैथ में सबसे पहले मेंसुरेशन क्षेत्रफल। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलेगा। मैथ में प्रतिशत, हानि लाभ, मेंसुरेशन, ये सारे चैप्टर अपने आप में काफी अच्छे हैं। दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैथ में आपका क्षेत्रफल स्टार्ट होगा। ठीक है, क्षेत्रफल के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं हम लोग एक तरफ से उनको करने वाले हैं। ठीक है, और ये आज आपकी ये पहली क्लास होगी। ठीक है, अब डेली क्लास होगी। ठीक है, क्लास एक, क्लास दो, क्लास तीन, ऐसी क्लासे चलेगी। ठीक है, एक भी सीरीज आपकी टूटेगी नहीं। ठीक है, और टाइम कितना होगा मैथ का, 6:30 बजे। और यहीं पे देखे ना, ये तो मैथ का टाइम हो गया 6:30 बजे, और जो रीजनिंग का आपका टाइम है वो है, ठीक है, रीजनिंग का 6:00 बजे, रीजनिंग का 6:00 बजे, और ये मैथ का है, मैथ का टाइम जो है आपका 6:30 बजे। तो देखना ना भूलें आप। ठीक है, 6:00 बजे रीजनिंग की क्लास और 6:30 बजे मैथ की क्लास। 8:00 बजे की बात हो रही थी लेकिन 8:00 बजे नहीं, ठीक है, 6:30 बजे ही रखते हैं। ठीक है, जैसे ही रीजनिंग की क्लास खत्म होगी आपकी, 6:30 बजे से मैथ की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसे लगी ये कमेंट में करके बताएं जरूर, और लाइक भी करें। ठीक है, और अपने सभी साथियों को बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक वगैरह पे जितना हो सारा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम सबसे पहले जो मेंसुरेशन की बात हो रही है, मेंसुरेशन क्षेत्रफल, 2D जिसको आप कहते हो, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, तो इसमें होगा आपका सबसे पहले वर्ग, ठीक है, फिर क्या आएगा आपका आयत, फिर वृत्त, ठीक है, ऐसे समझना। ठीक है, और इसमें यहां से देख लो चतुर्भुज जितने होंगे, ठीक है, चतुर्भुज, ये सब इसके पार्ट है। मेंसुरेशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, चतुर्भुज, ठीक है, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज के जितने पार्ट होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज, जितने सारे त्रिभुज बनते हैं वो सब सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग वर्ग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्ग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और एक एक बातें हम लोगों को पढ़ना है इसमें से, और एक भी क्वेश्चन हम लोग को इसमें से आ जाए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उस हिसाब से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, ठीक है, क्लास एक, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आकृति वर्ग। ठीक है, चलिए, ओके, ये सब मैं मिटा देता हूं। ठीक है, मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन में हम लोग को पढ़ना है वर्ग, मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है। ओके, चलिए अब एक एक बात समझते चलिएगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, वर्ग, ओके, ये है आपका वर्ग, ये, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, इसको कहेंगे आप विकर्ण। ठीक है, एक बात ध्यान समझना, जो वर्ग होता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे मैं कह दूं ए बी इक्वल, बी सी इक्वल, सी डी इक्वल, डी ए, ठीक है, सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं बाबू, विकर्ण, कुछ छोड़ दीजिए विकर्ण नहीं, सबसे पहले देखेंगे भुजाएं, भुजाएं क्या होंगी सबकी सब बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर, मतलब चारों भुजाएं वर्ग की आपस में बराबर होती हैं। और वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण, ठीक है, एक ये आपका बीडी और एक क्या एसी, ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और यहां पे जो इनका शीर्ष का कोण होता है, ठीक है, ये जो शीर्ष के कोण होते हैं, शीर्ष का कोण कितने का होता है, 90, ठीक है, 90 अंश का होता है, क्लियर। और ये जो विकर्ण एक दूसरे को बीचों बीच विभाजित करते हैं, ये एक दूसरे को समलंब विभाजित करते हैं, ठीक है, मतलब कि विभाजित करते हैं लंब अर्धक यहां पे बीचों बीच करते हैं, ठीक है, मध्य में काटते हैं ये, ठीक है, ओके, चलिए अब देखना एक एक बात इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लें कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला देखेंगे अब इसका, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, देखो सभी भुजाएं कितना कितना मान लें, हम ए ए मान लें, ये
सारी भुजाएं क्या हो गई, ए ए हो गई। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर, या आप कह सकते हो भुजा स्क्वायर। क्या कहोगे, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका दूसरा फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है देखना। जैसे मान लो कि आप यहां से चलना शुरू किए, यहां से ये ऐसे ये, तो अब ये बताओ यहां से यहां तक ए चले, फिर यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक फिर से ए, इसका मतलब कितने टाइम, फोर टाइम ना, चार टाइम, मतलब चार बार आप ए ए चले हो, ये यही हुआ ना मतलब। अब इसका मतलब क्या होगा, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, चार ए। और जहां पे ए बराबर क्या है आपका भुजा, ए बराबर क्या है भुजा, तो आप लिख सकते हो चार गुणे भुजा। क्या लिख सकते हो, चार गुणे भुजा, ये क्या बन जाएगा आपका परिमाप बन जाएगा। क्लियर, ओके। अब आपका अगला फॉर्मूला है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, एक सेकेंड, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, होता तो आपका क्या होता है भुजा अंडर रूट दो, भुजा अंडर रूट दो। वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, भुजा अंडर रूट दो। लेकिन ये आता कैसे है, इसको आप लिख सकते हो ए अंडर रूट टू। ठीक है, ये चीज लिख सकते हो। अब देख मैं कैसे इतना, जैसे मान लो ये चीज हम यहां से ले लें, ये इतना, ठीक है ए, ये क्लियर। तो आपका ये ए बी और ये सी, ठीक है, ये आपका विकर्ण है, थोड़ा ये वाली भुजा बराबर कर ले ये चीज, ठीक है, ओके। अब ये चीज आपको पता करना है, ये ए है और ये वाली भी भुजा बी सी क्या है, ए के बराबर, और ये भी ए के बराबर है, ठीक है। तब देखना पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप क्या लिख दो, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, यही तो लिख दो ना, बराबर सॉरी प्लस बीसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर धन बीसी का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर धन इसका भी स्क्वायर, ए ए है आपका और बीसी का मान ए, और बराबर किसके, एसी के स्क्वायर। अब ये दोनों जुड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, टू ए स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। अब देखना ये इधर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा और करनी किस पे लग जाएगी, दो पे, तो एसी बराबर आपका हो जाएगा ए अंडर रूट दो, ए अंडर रूट दो। इस तरह से ये चीज आपका कहां से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से आता है, ठीक है, कहां से आता है, पाइथागोरस प्रमेय से आता है। क्लियर, सारी बातें समझो। एक फॉर्मूला इसी में और बनता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, एक और फॉर्मूला बनता है वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका क्या, विकर्ण स्क्वायर बटे दो। क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बटे दो, विकर्ण स्क्वायर बटे दो, ये वाली भी बात आपको ध्यान से रखना है, ठीक है। ये आपके क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण स्क्वायर बटे दो, वर्ग का क्षेत्रफल और क्या होगा, भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या होगा, फोर ए या चार गुणे भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, ए अंडर रूट टू या भुजा गुणे अंडर रूट दो। आता कैसे है, एसी की स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर धन बीसी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से एसी, और यहां पे देखना एबी का वैल्यू कितना, ए, बीसी की वैल्यू कितना, ए, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर दो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे ये जो स्क्वायर इधर जाएगा करणी में जाएगा, करणी जाने का मतलब ये चीज हो जाएगा, दो दो गुणे ए स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा दो गुणे ए, ठीक है, करणी में, तो आपका ए क्या हो जाएगा बाहर और दो फंस जाएगा करणी में। क्लियर, इस तरह से ये चीज आपका आता है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं फॉर्मूला याद हो गया होगा, एक ये है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये है, और चौथा ये, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लेंगे, और जिनको नहीं याद है अब तो याद ही हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए ये सारा का सारा मिटा दे रहा हूं, ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिए, ठीक है, मिटा देना आप इसको, ओके। चलिए एक एक बात समझते चलेंगे हम लोग, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन पहला है आपका, ठीक है, क्लियर तो हो गया होगा ना सभी को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लिखा है, देखेंगे,
आगे होगा आपके सामने क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है, एक भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 27 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और क्या बताना है, परिमाप बताना है, क्या बताना है, परिमाप बताना है, पैरामीटर बताना है और एरिया बताना है, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है, आप देख लीजिए, ठीक है। एक वर्ग की भुजा कितनी है, 27 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा कितनी है, 27 सेंटीमीटर, आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है और क्या बताना है, परिमाप बताना है, ठीक है। अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर, क्या होता है, ए का स्क्वायर, मतलब कि ए की वैल्यू कितना दे रखा है, 27, तो 27 का स्क्वायर कितना होगा, या तो फिर 27 का स्क्वायर याद हो आपको, या फिर आप क्या करोगे, 27 गुणा 27, यही तो लिखोगे ना, कैसे करोगे, 7 × 7 = 49, कितना बचा, 4, 7 × 2 = 14 और 7 × 2 = 14, 14 × 14 = 28 और 28 × 4 = 32, ये दो बचे कितने, 3, और 2 × 2 = 4 = 3 = 7, कितना आ गया, 729, लेकिन साथ में जो इसकी इकाई है इसका भी गुणा होता है, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो हो जाएगा कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या बन जाएगा, एरिया, डाउट किसी को, 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे परिमाप की बात करते हैं, ठीक है, परिमाप क्या होता है आपका, 4a, ठीक है, तो a कितना है आपका, 27 है, यहां पे देखेंगे भुजा कितने दे रखा है, 27, तो 4 × 27, अब गुणा करा लो इसी में, तो 7 × 4 = 28 के 8 बचा कितना, 2 और 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 10, ठीक है, कितना, सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, परिमाप, ये क्या हो जाएगा, परिमाप, परिमाप कितना आ गया, 108 सेंटीमीटर, क्लियर, डाउट किसी को नहीं ना, ओके, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा ना, अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन नंबर पहला था, तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने सभी साथियों को बताइए कि क्लास अच्छी है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो क्या है, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, भुजा की लंबाई कितना है, 26 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई d का, ठीक है, डायगोनल पूछ रहा है आपसे, d का मान पूछ रहा है, ठीक है, विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज आर्म से 26 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, अगर किसी वर्ग के भुजा की लंबाई यदि 26 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना है, विकर्ण की लंबाई बताना है, आपको मैंने क्या बताया, जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√2 होता है, कितना होता है, a√2 होता है, a का मान कितना दे रखा है, 26, तो कितना हो जाएगा, 26√2 हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, यदि आप √2 का मान लिखना चाहते हो तो 1.414 हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, 26 × 1.414 का गुणा करा लेगा, ठीक है, 26 × 1.414 का आप क्या करा लोगे, गुणा, और ये गुणा बताना आप कमेंट में, ठीक है, 26 आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है, लेकिन हाँ अगर जैसे वो दशमलव में पूछता है, विकर्ण की लंबाई दशमलव में पूछता है, तो आप क्या करोगे, √2 का मान लिख देंगे, √2 का मान कितना होता है, 1.414, ठीक है, आप इसका गुणा किस पे करा दोगे, 26 पे, तो 26 का गुणा 1.414, सॉरी यहां पे 4 रहेगा, 414 पे गुणा करा के 26 में, ये आप कमेंट में बताएंगे, ओके, जल्दी बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है और ये दशमलव में आएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल 1250 एरिया दे रखा है, 1250 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, विकर्ण की लंबाई d का मान पूछ रहा है, डायगोनल का नाम मान पूछ रहा है, ठीक है, तो एरिया दे रखा है 1250। अच्छा ये बताओ, आपको दो चीजें पता है ना,
आपको मैंने बताया कि ए बराबर होता है, मतलब एरिया बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है डी का स्क्वायर विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। डाउट किसी को? नहीं ना। क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। ठीक है, अब ये बताओ ए का मान कितना ले दू यहां पे? 1250 बराबर डी का स्क्वायर बटे दो, और ये गुणा इधर आएगा, आएगा ना, ये गुणा इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 1250 गुणे दो बराबर डी का स्क्वायर, और इनका गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा? 2500 बराबर डी का स्क्वायर। डाउट किसी को? तो लिख सकते हो डी बराबर 2500 किसमें? करणी में। डी बराबर क्या लिख सकते हो? 2500 करणी में, और डी बराबर आपका आ जाएगा कितना? 50। आपको पता ना वैल्यू किसमें है? सेंटीमीटर में, तो आप लिख देंगे 50 सेंटीमीटर, यही आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग अभी बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, फॉर्मूले को कैसे सेट किया जाता है वो चीज हम समझ रहे हैं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कीजिए और सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्ग जिसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको क्या बताना है? वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया बताना है। वर्ग का क्या बताना है आपको? एरिया बताना है। इफ ए स्क्वायर व्हिच डायगोनल लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मतलब आपको 16 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। अभी आपको बताना क्या होता है? ए बराबर डी का स्क्वायर बटे दो। क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। तो आपसे एरिया ही तो पूछ रहा है ना। ए का मान क्या हो जाएगा? 16 गुणे 16, मतलब 16 का स्क्वायर, मतलब 16 गुणे 16, और भाग लगा दोगे किसका? दो का। काट देंगे कितने पे जाएगा? 8 पे जाएगा ना, और गुणा करा लो तो 8 से 48 4, और 8 कम 8 4 12, 128 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ओके, 128 वर्ग सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखना, जो भी क्षेत्रफल आएगा आपका वो हमेशा वर्ग इकाई में रहेगा। किस में रहेगा? वर्ग इकाई में। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, कभी भी आप एरिया निकाल रहे हैं, कभी भी आप एरिया निकाल रहे हो तो फिर जो आपका एरिया आएगा वो किस में आएगा? वर्ग इकाई। इकाई मतलब मीटर में हो, सेंटीमीटर में, इस तरह से। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। क्लियर, आपका ये आंसर आ गया है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा? 128 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, आज हम वर्ग कर रहे हैं, वृत्त करेंगे, आयत करेंगे, चतुर्भुज करेंगे, त्रिभुज करेंगे, जितने सारे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन मैं उनकी सीरीज रखा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में सेट में वो चीज मैं रखा हूं। ठीक है, आपको पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू? कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत है। ठीक है, कोई एक वर्गाकार खेत है ये, और इसका एक जो एरिया है, ठीक है, इसका जो एरिया है मतलब क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है वो 100 मीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया है वो कितना है? 100 मीटर स्क्वायर है। तो इस खेत के चारों ओर 15 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का खर्चा क्या होगा? तार लगवाना है यहां से यहां तक ये, और तार कहां पे लगता है? जो खेत वगैरह होता है ना, खेत के मेंढ के ऊपर लगता है ना, खेत के चारों तरफ तार लगता है। तो चारों तरफ तार लग रहा है तो आपके दिमाग पे बात क्या चलनी चाहिए? 4A, किसका? परिमाप का दिमाग चलना चाहिए आपका। ठीक है, परिमाप के बारे में आप सोचेंगे। 4A, 4A का मतलब क्या? परिमाप। आपका जो तार होगा वो कहां पे लगेगा? परिमाप पे लगेगा, परिमाप पे लगेगा तार। ठीक है, ओके। अब यार ध्यान समझो, ए का स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल की जो वैल्यू है वो कितना है? 100 है। तो ए का मान कितना आएगा? 10 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, 10 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? भाई क्षेत्रफल कितना दे रखा? 100 दे रखा है। तो एरिया
क्षेत्रफल स्क्वायर होगा ना, क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा इस पे करनी आ जाएगी ना ये चीज बनके, तो ए का मान कितना आ जाएगा 10। तो यहां से चार ए का मान निकाल सकते हो ना, चार ए का मान निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 4 × 10 बराबर कितना 40 मीटर। कितना 40 मीटर, परिमाप कितना आ गया 40 मीटर, परिमाप कितना आ गया 40 मीटर। अच्छा अब ये बताओ, अगर कोई 1 मीटर तार 15 रुपए में मिल रहा है, कितने रुपए मिल रहा है 15 रुपए मिल रहा है, 1 मीटर तार की कीमत कितना है, यही तो दे रखा है ना, 15 रुपए प्रति मीटर की दर से तार बनवाना है आपको, खर्चा जो लग रहा है 15 रुपए प्रति मीटर की दर से लग रहा है, ठीक है। तो ये बताओ 40 मीटर तार का दाम कितना होगा, तो 40 × 15 ना, 40 × 15 तो 15 × 0 = 0 और 15 × 2 = 60, कितना आ जाएगा 600 रुपए, कितना आ जाएगा 600 रुपए आपको खर्च करने होंगे, कितने रुपए 600 रुपए खर्च करने होंगे आपको, 600 रुपए लागत लगाना पड़ेगा तब जाके मेंढ पे आपके ऐसे ऐसे तार आप बनवा सकेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में अब किसानों के खेत में बैल वगैरह या फिर गाय वगैरह आ जा रही है, ठीक है, इसलिए किसान को तार वगैरह बनवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो कितने रुपए लगाने पड़ेंगे आपको, 600 रुपए लगाने पड़ेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा लग रहा है, कुछ लोग बताए कि कमेंट करके कि मतलब सर बहुत छोटा लिख रहे हैं, ठीक है, तो अब अच्छा है ना, कमेंट करके बताइएगा मतलब सही चल रहा है ना, थोड़ा बड़ा ही लिख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक वर्गाकार खेत का एक चक्कर 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मीटर में तय कर लेता है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इफ वन राउंड ऑफ द स्क्वायर फील्ड रन्स एट स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, आपको क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है। देखना ये मान लो आपका क्या है वर्ग है, ए बी सी डी, एक ये क्या है आपका वर्ग है, आपने यहां से चलना शुरू किया, यहां आए बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे और डी से ए तक आ गए आप, तो आपका ये एक राउंड हुआ, एक राउंड का मतलब समझते हो 4a, एक राउंड का मतलब समझते हैं आप 4a, ठीक है, एक राउंड का मतलब कितना होगा 4a, सॉरी ये इधर खींचने कोई मतलब नहीं है, एक सेकंड, ये आपका कितना होगा 4a हो गया, ठीक है। अब आपको ये चीज कैसे पता चल जाए, और एक चक्कर जानते हो, एक चक्कर वो एक चक्कर 1 मिनट में पूरा कर रहा है मेरे भाई, कितने मिनट में, 1 मिनट, चलो ध्यान से देना। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, ठीक है, आप सभी लोगों ने पढ़े होगा कि जैसे कोई स्पीड हो किलोमीटर प्रति घंटे में, अगर उसको मुझे चेंज करना हो, उसे मुझे चेंज करना हो कि मीटर प्रति सेकंड में, तो आप क्या करवाते हो, जैसे कि 7, जैसे मैं लिख दूं 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लो सपोज मान लो कि कोई स्पीड है 36 किलोमीटर घंटा, इसको मुझे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है, तुरंत 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप कैसे करोगे, 36 × कितना 5/18, यही तो करोगे ना, 18 × 18 = 36 × 5 = 10 मीटर प्रति सेकंड, यही चीज लिखोगे ना, तो सेम कंडीशन यहां पे है, ठीक है। अब देखना, एक चक्कर चलने में उसको कितना टाइम लगता है, एक चक्कर चलने में उसको 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, अब ध्यान समझना, ये चीज मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, देखो अब एक चक्कर की जो वैल्यू है, एक चक्कर बराबर उसको लगता है कितने मिनट, 1 मिनट, लेकिन उसकी जो स्पीड है 7.2, इसको आप चेंज करोगे ना ऐसे ही, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर में है, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चलना है, तो आप 5/18 का गुणा करा देते हैं, ठीक है, ये 0.2 हटाने के लिए यहां 1 जीरो लग जाएगा, 18 × 18 = 72, 5 × 20 और 20/10 काट देंगे, कितना आ गया आपका 2 आ गया, क्या मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड 2 मीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में कितने मीटर 2 मीटर, और 1 मिनट में वो अपना एक चक्कर पूरा करता है, तो 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है, तो
तो ये बताओ अगर मैं एक मिनट बराबर 60 सेकंड, एक मिनट बराबर कितना सेकंड, 60 सेकंड, तो अगर मैं इसमें 60 सेकंड का गुणा करा दूं 60 सेकंड का, तो एक मिनट हो जाएगा। और यहां पे भी आपको 60 का ही गुणा कराना पड़ेगा, तो 6 × 12 120, और ये कितना आपका यार 60 सेकंड, और ये किसमें आ गया मीटर में। अब इसका मतलब हो गया 60 सेकंड में 1 मीटर, या आप कह सकते हो कि 1 मिनट में वो 120 मीटर की दूरी क्या करेगा, तय कर लेगा। 1 मिनट में 120 मीटर की दूरी तय कर लेगा। और ये जानते हो ये आपका एक चक्कर है, ये आपका क्या है, एक चक्कर है। और एक चक्कर की कीमत कितना, वैल्यू कीमत नहीं, वैल्यू कितना, 4a, 4a का मान कितना रखोगे 120, काट दीजिए, a बराबर कितना आ जाएगा 30, a बराबर कितना आ जाएगा 30 मीटर, a बराबर कितना आ जाएगा 30 मीटर। और आपसे बाबू क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कितना 900 वर्ग मीटर, 900 वर्ग मीटर। डाउट किसी को, डाउट किसी को नहीं ना, ओके आपका आंसर आ जाएगा कितना 900 वर्ग मीटर, 900 वर्ग मीटर, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, चलिए मिटा दो इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 2 वर्गों के क्षेत्रफल में 9:1 का अनुपात है, तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। इफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इन द रेशियो ऑफ 9:1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द दियर डिमिनिएशन, ठीक है, डिमिनिएशन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है इसमें, परिमापों में, परिमापों में अनुपात बताना है आपको, ठीक है। अगर इनके एरिया में ध्यान समझना, जैसे कि लिख दू, अगर भुजा है आपकी, या पहले का और दूसरे का जो आपका रेशियो है वो कितना है 9:1, मतलब कि 9/1, ठीक है। तो ये इस पे जाएगा, इसका स्क्वायर इस पे जाएगा, तो a1 और a2 बराबर कितना हो जाएगा 3/1, क्लियर। और अगर मैं a1 में 4 का गुणा कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, परिमाप बनेगा ना, और इसमें भी गुणा कराऊंगा तो यह क्या बनेगा, परिमाप, और इसमें भी गुणा करा दो तो क्या बनेगा, परिमाप, और इसमें भी गुणा करा दो तो क्या बनेगा, परिमाप। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4a1/4a2 की वैल्यू कितना होगी, ये 4 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3/1, मतलब कि 4a1/4a2 बराबर कितना 3:1। तो इनके परिमापों में कितना अनुपात बन जाएगा, 3:1, कितना बन जाएगा 3:1, क्लियर। डाउट तो नहीं ना किसी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये कौन था, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे, ठीक है, बस खत्म ही होने वाला है, ठीक है। अच्छा लग रहा ना, तो प्लीज रुके रहिए, शुरू से लेकर अंतिम तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। और जब तक आप रेगुलर नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको बहुत धीरे धीरे वे में बता रहे हैं और शॉर्ट में बता रहे हैं, कोई इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा लग रहा है ना तो शेयर कर दीजिए, और उसके साथ साथ लाइक भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किए हो अभी तक तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यों, क्योंकि जब हमारी नई वीडियो, मतलब जैसे ही नई वीडियो डालूंगा आप तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है, क्लियर। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 140 मीटर है, बगीचे का परिमाप, कोई एक ये बगीचा है, इसका जो परिमाप है यहां से यहां तक, मतलब कि 4a बराबर कितना दे रखा है 140 मीटर, ओके। और आपको घास लगवाना है, इसका मतलब घास लगेगा ना इस बगीचे पे, एरिया पे लगेगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे लगेगा घास, और यहां पे ये इसका जो मीटर है, परिमाप है, वो कितना है 140, ठीक है। तो ये बताओ ए का मान निकाल सकते हो ना, ए का मान कैसे आएगा, 140 में कितने का भाग लगा देंगे, 4 का, तो 4 × 3 = 12, और उसके बाद 4 × 5 = 20, कितना आ गया आपका 35, ठीक है 35 मीटर, ए का मान कितना आ गया 35 मीटर। अब फिर आप क्या करोगे, एरिया निकाल लो पहले, कि एरिया बन कितना रहा है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना निकालेंगे 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर कितना होगा 5 × 25, और 3 के आगे वाली संख्या कौन सी होगी 4, 3 × 4 = 12 वर्ग मीटर।
आपका कितना आ गया 12,1225 वर्ग मीटर, इस बगीचे का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इस बगीचे का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है, 10 रुपया है। तो 1225 वर्ग मीटर है, तो आप क्या करोगे 12,25 में आप गुणा कितने का करा दोगे, 10 का, तो कितना हो जाएगा 12,25 के आगे 0, और ये किसमें बदल जाएगा, रुपए में, किसमें बदल जाएगा रुपए में, मतलब 12,250 रुपए के खर्चे आएंगे। ठीक है, इस पे घास लगवाने का खर्चा कितना आएगा 12,250। क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका होगा SW में, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका है SW में, क्वेश्चन नंबर 9 SW में है। ठीक है, क्वेश्चन दिखा दीजिए। ठीक है, हो गया ना। यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में 404 वर्ग मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग की भुजा एवं उसका परिमाप कितना था। ठीक है, इफ द आर्म ऑफ द हाफ ए स्क्वायर इन द इंक्रीजेड बाई 2 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इंक्रीज बाई कितना हो जाता है, एरिया इसका 404 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है। व्हाट वाज द स्क्वायर आर्म्स एंड द पैरामीटर, मतलब कि इसका आपको क्या बताना है, भुजा बतानी है आपको। ठीक है, भुजा का मान बताना है। ठीक है, और इसमें बताना है आपको परिमाप। ओके, तो आपको ये दो चीजें बताना है। ठीक है, ये आपका SW में होगा, ये चीज इसका आंसर जो है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके बताइएगा, और इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिससे फिर सारे लोग जुड़ जाए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।